कहता है अपनों ही ने लूटा गैरों में कहा दम था। ऐसा ही एक वाक्य जमशेदपुर जिले के पाटा पानी में देखने को मिला है, जहां पीड़ित सुबोध सरदार ने अपने दोस्त नंदीनाथ पर उसकी पत्नी और बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार वो चेन्नई में एनजीसी कंपनी में कारपेंटर का काम करता था। बीते 16 मार्च को उसके पिता ने उसकी पत्नी और बेटी की लापता होने की खबर दी। जब वह घर आया तो उसने इस मामले में अपने दोस्त नंदीनाथ को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आने पर उसे संदेह हुआ कि उसकी पत्नी और बेटी को नंदीनाथ भगा कर ले गया। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, जहां मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 15 मार्च को नापता है, हम चेन्नई में काम कर रहा था, एनजीसी कंपनी का मजदूर काम कर रहा था। फिर फोन द्वारा मेरा पिताजी फोन से बताया कि नेहा और ये तेरा पत्नी घर पे नहीं है। इसे तो कुछ दिन फोन किया था, 23 तारीख को नंदीनाथ को हम फोन किया था, फिर बताया कौन सुबोध, वो नहीं है बोल रहा। फिर और एक बार लगाया, हम बोल रहा सुबोध है भाई, हम बोल रहा हाँ, वो कौन कौन है, नहीं बोल रहा, एक माँ है और एक बच्चा है, हम बोल रहा बात कराओ। तो फिर मेरा बेटी ने चिल्लाने लगा, बा है क्या बोल रहा है, हम अपना। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना के बाद क्लिनिक के संचालक दंपति फरार है, वहीं क्लिनिक के अन्य कर्मी भी परिजनों को उग्र होता देख भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। Oh,